राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आखिरी मौका मिल सकता है। इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद 19 जून को टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था। निर्वाचन आयोग ने इन राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि क्यों ना उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया जाए। इस नोटिस का जवाब देते हुए टीएमसी और सीपीआई ने गुजारिश की थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक उनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लेने का कोई फैसला ना लिया जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले भी ऐसे मामलों में आयोग द्वारा कई पार्टियों को नोटिस जारी किया गया है, पर आयोग अमूमन ऐसे मामलों में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करता है और राहत दे देता है। आयोग ने तीन पार्टियों को अपना पक्ष रखने के लिए 5 अगस्त तक का वक्त दिया था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद भाकपा, बहुजन समाज पार्टी और एनसीपी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने के संकट का सामना कर रही थी। हालांकि साल 2016 में उन्हें राहत मिल गई, जब आयोग ने अपने नियमों में संशोधन करते हुए कहा था कि राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दर्जे की समीक्षा 5 साल की जगह हर 10 साल के अंतराल पर की जाए। यदि चुनाव आयोग के द्वारा स्थापित किए गए मानकों पर गौर करें तो निर्वाचन प्रतीक आदेश 1967 के तहत किसी राजनीतिक दल को तब राष्ट्रीय स्तर का दल माना जाता है जब उसके उम्मीदवार लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट हासिल करें। इसके अलावा लोकसभा में उसके कम से कम 4 सांसद, उस दल के पास लोकसभा सीटों की कम से कम 2% सीट होनी चाहिए और इसके उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों से होने चाहिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।